नमस्कार साथियों स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम डी एम कृष्ण भोग योजना क्या है क्या वितरण करना होगा रजिस्टर संधारण कैसे होगा कब से शुरू होगी और इससे संबंधित कुछ मुख्य दिशा निर्देश जो हमारे पास है वो हम आपको बताने वाले हैं तो बने रहिए मेरे साथ सबसे पहले जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन ज़रूर प्रेस कर लें क्योंकि इसी तरीके के लेटेस्ट वीडियोज हैं वो हम आपके लिए लाते रहते हैं तो चलिए बात करते हैं आदेश की जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं श्री कृष्ण भोग योजना राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की जा रही है इसमें सबसे मुख्य दिशा निर्देश कुछ इस प्रकार से हैं राजकीय विद्यालयों के कक्षा प्री प्राइमरी से कक्षा आठ तक विद्यार्थी हेतु श्री कृष्ण भोग योजना प्रारंभ की जा रही है दूसरा है समाज में कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से विद्यालय में भोज करवा सकता है समाज के किसी भी व्यक्ति द्वारा परिवार में किसी विशेष दिन या उत्सव जैसे कि होली दीपावली मकर संक्रांति या राखी जन्मदिन महोत्सव संतान प्राप्ति मनोकामना पूर्ण होने धार्मिक यात्रा करने बच्चों को शिक्षा में सफलता नौकरी मिलने शादी की सालगिरह इस प्रकार के समाज के महत्वपूर्ण अवसर होने पर स्कूल के बच्चों को भोजन करवा सकते हैं भोजन के अलावा फल मिष्ठान दूध गुड़ मूंगफली, चिक्की आदि का भी वितरण इसमें कर सकते हैं साथ ही आमजन द्वारा घी तेल दाल मसाले एवं शक्कर आदि विद्यालय को दिया जा सकता है आमजन द्वारा बर्तन गैस चूल्हे दरी पट्टी फर्नीचर भी इसमें दिया जा सकता है आमजन द्वारा रसोई घर पानी की टंकी नल टॉयलेट आदि का निर्माण भी इसमें करवाया जा सकता है आमजन द्वारा नगद चेक ड्राफ्ट आदि प्रकार से धनराशि भी उक्त योजना में दी जा सकती है अतः इस प्रकार एम डी एम योजना अंतर्गत श्री कृष्ण भोग श्रीकृष्ण भोग योजना से आप जुड़ सकते हैं तो साथियों ये सारे का सारा जो कार्य है ये मैंने जो अभी ऊपर बताए हैं ये श्रीकृष्ण भोग योजना के अंतर्गत यहाँ आ रहे हैं विद्यालय स्तर पर श्रीकृष्ण भोग योजना का रिकॉर्ड है वो यहाँ संधारित किया जाएगा वित्तीय वर्ष के अनुसार रजिस्टर का संधारण भी होगा श्रीकृष्ण भोग योजना के अंतर्गत आमजन द्वारा उपलब्ध करवा गए संसाधन सामग्री भोज का जो रिकॉर्ड है मासिक वो भी इसमें रखना होगा साथ में जो रिपोर्ट है वो भिजवानी होगी यहाँ रजिस्टर संधारण किस प्रकार से करना होगा वो परफॉर्मा दिया गया है जैसे यहाँ सीरियल नंबर डिस्ट्रिक फुल मील इन जो मील है वो यहाँ दिया गया है एडिशनल फूड आइटम है नंबर ऑफ स्कूल रिसीव्ड कंट्रीब्यूशन कितने का योगदान यहाँ मिला तो ये सारी की सारी डिटेल है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन नंबर ऑफ आइटम उनकी वैल्यू कितनी है ये सारी की सारी कैलकुलेट करके रिकॉर्ड है वो संधारित किया जाएगा मतान्तर होने पर आयुक्तालय एच डी एम के आदेश एक चार दो हज़ार चौबीस के अनुसार इसको सही माना जाएगा तो जो आदेश है एक तीन चौबीस का वो यहाँ अवलोकन कर लें उसके हिसाब से ये सारा डाटा है वो मेंटेन करना होगा तो ये थी जो किशनभोग योजना है उसके बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में